हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर वेबसाइट कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया है। गूगल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट भी इस्तेमाल किया। फॉर फ्रंट एंड एंड फॉर बैक एंड दे यूज्ड C++, गो, जावा, पाइथन, नोड। और डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया है बिगटेबल, मेरियाडीबी। दूसरा फेसबुक, फेसबुक बनाने के लिए फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट फ्लो इस्तेमाल किया गया और बैक एंड के लिए हैक, PHP, पाइथन, C++, जावा, एरलैंग, डी, XHP, एसक्यूएल। और डेटाबेस के लिए मेरियाडीबी, MySQL, HBase, कैसेंड्रा इस्तेमाल किया गया। YouTube फॉर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया सिर्फ, और बैक एंड के लिए C, C++, पाइथन, जावा, गो, ये सब इस्तेमाल किया गया। और डेटाबेस के लिए Vitess, Bigtable, MariaDB इस्तेमाल किया गया। Yahoo फ्रंट एंड के लिए सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया, और बैक एंड के लिए सिर्फ और सिर्फ PHP इस्तेमाल किया गया। और डेटाबेस के लिए MongoDB, HBase, Cassandra, PostgreSQL इस्तेमाल किया गया। Amazon फ्रंट एंड के लिए सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए जावा, C++, पर्ल, ये सब इस्तेमाल किया गया। और डेटाबेस के लिए RDS, Aurora, PostgreSQL, RDS। विकिपीडिया फॉर फ्रंट एंड दे यूज्ड ओनली जावास्क्रिप्ट, एंड फॉर बैक एंड दे यूज्ड ओनली PHP। और डेटाबेस के लिए सिर्फ और सिर्फ MariaDB इस्तेमाल किया गया। ट्विटर के फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए C++, जावा, स्काला, रूबी। और डेटाबेस के लिए MySQL इस्तेमाल किया गया। बिंग के लिए जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, एंड फॉर बैक एंड C++, C#। एंड डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कॉस्मोस, DB। ईवे के लिए जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, एंड फॉर बैक एंड जावा, जावास्क्रिप्ट, स्काला। और डेटाबेस के लिए ओरेकल डेटाबेस। एमएसएन के फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट, एंड बैक एंड के लिए C#। और डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। लिंक्डइन के लिए जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, एंड बैक एंड के लिए जावा, जावास्क्रिप्ट, स्काला। और डेटाबेस के लिए वर्डमोर्ट इस्तेमाल किया गया। पिंटरेस्ट के लिए जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, एंड बैक एंड के लिए पाइथन, एरलैंग। और डेटाबेस के लिए MySQL, रेडिस, ये सब इस्तेमाल किया गया। और वर्डप्रेस सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, एंड PHP फॉर बैक एंड, और MariaDB फॉर डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है वो है जावास्क्रिप्ट। हर एक वेबसाइट के फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया, हर एक के। सिर्फ गूगल और फेसबुक में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, वो है टाइपस्क्रिप्ट एंड फ्लो। और बाकी के कोई भी वेबसाइट के फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया गया। सो जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज्ड राइट नाउ। यू कैन गो फॉर इट। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू, एंड टू सब्सक्राइबिंग फॉर मोर वीडियोज।